भर में सबसे प्यारा। रायगढ़ जिला के युवा लोक की जननायक माननीय प्रकाश नायक जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं बुखरा सिंह। कोरबा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनसठ जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंध गए। सामूहिक विवाह का यह खास आयोजन जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंदई जलप्रपात पर बने स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम में आयोजित हुआ। देखिए यह रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में केंदई में स्वामी भजनानंद आश्रम स्थित है। स्वामी शारदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में पिछले दो दशक से लगातार साल में एक बार जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह का मंडप सजाया जाता है। जोड़ों की संख्या हर साल घटती बढ़ती रहती है। इस वर्ष 59 जोड़ी स्वामी भजनानंद सेवा आश्रम में एक साथ परिणय सूत्र में बंधे। आश्रम के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करने वाले जोड़ों के लिए जाति और समाज का कोई बंधन नहीं होता, जरूर होती है तो बस अटूट प्रेम की। यही कारण है कि यहां इस वर्ष कई ऐसे जोड़े भी परिणय सूत्र में बंधे जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वह इतने सक्षम नहीं थे कि अपने बल पर गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर सके। ऐसे आश्रम का यह आयोजन उनके लिए एक उम्मीद बनकर सामने आया है। यहां से शादी करने वाले जोड़ों को न सिर्फ शादी का खर्च बल्कि दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। महायज्ञ एवं विवाह कार्यक्रम में प्रदेश व देश के विभिन्न प्रांतों से साधु संत विद्वानों का भी आशीष प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। विदेशों में रह रहे धर्मावलंबी जन अपने बच्चों के साथ प्रत्येक आयोजन में यहां पहुंचकर निस्वार्थ सेवा प्रदान करते हैं। बेटी के पालक के रूप में कन्यादान तो वर की ओर से बाराती बनकर पवित्र अग्नि के समक्ष संस्कारों का निर्वहन करते हैं। वर वधु को शुभ शुरुआत के लिए दाम्पत्य जीवन की हर आवश्यक वस्तु उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। सानिध्य में ये कार्यक्रम का आयोजन होता है और निश्चित रूप से आज का जो स्वरूप बना है ये उनकी तपस्या का, उनके का ही और प्रभाव है। इतने बड़े वनवासी क्षेत्र में वनवासियों को जोड़ना और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं, इसमें अधिकतम वनवासी बंधु रहते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, लेकिन निःशुल्क विवाह का आयोजन और एक अपनी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके हिसाब से पंडितों के माध्यम से पूरा पूजा करा करके, पूरी प्रक्रिया पूरा करके और सारे लोगों के आशीर्वाद के दृष्टि से कहिए, पूरे लोग एकत्रित रहते हैं, महाराज जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलता है, तो हर वर्ष ये एक वार्षिक उत्सव सरीखा ये कार्यक्रम यहाँ पर सम्पन्न होता है। और इसके साथ साथ जो श्री विष्णु महायज्ञ का जो आयोजन होता है वो भी अपने आप आध्यात्मिक दृष्टि से इस भूमि को पुण्य भूमि के रूप में जो है, और आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी, और ये जो सामाजिक सेवा और सार्वजनिक कार्यक्रम के दृष्टि से, ये दोनों का योग बना करके ये कार्यक्रम का आयोजन होता है। सबके कल्याण के लिए, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, जनहित में, और ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है, क्योंकि बहुत से गरीब दुखी ऐसे रहते हैं जो शादी करना बड़ा कठिन हो जाता है, तो ऐसे परिवार सहजता के साथ और महाराज जी के साथ जुड़ करके और इनकी जो प्रक्रिया है उसमें संपर्क संबंध बना करके बकायदा पंजीयन करते हैं, और इसके बाद विधिवत आज के स्थिति पर जो है हर वर्ष और इस विवाह का, सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। पिछले 10-12 साल से मैं हर साल यहाँ आ रहा हूँ विवाह समारोह में और शादियों में और यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए महाराज जी के आशीर्वाद से। मेरा नाम संजीव चोपड़ा है, मैं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में रहता हूँ पिछले 25 साल से, और यहाँ आज कन्यादान हुआ, बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी ने भी आज पहली दूसरी बार कन्यादान किया, ये दूसरी बार आई है। मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ। 59 जोड़े रहे हैं इस वर्ष रहे हैं, और मोटो यही है कि इस क्षेत्र में जो आदिवासी वनवासी बंधु हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े, जो शहरों में रहते हैं बड़े समाज के लोग हैं आदिवासी। और ये देखिए रामचंद्र जी ने वनवास जा करके जो किया था, वो वनवास गए और गरीब गुरबों वनवासियों से मिले और एक जो जोड़ा उस संपर्क को पुनः बनाने का, कि जो लोग मैं बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े मोटर कार में चलते हैं, वो यहाँ भी आए,
यहाँ के गरीबों के जीवन को देखें और अपने जीवन में से कुछ सहयोग परमार्थ के मार्ग में चल करके उनके जीवन में खुशियाँ लाएं। ये जो प्रेरणा है इससे होगा ये कि उनके जीवन में हम खुशी नहीं ला रहे हैं, ये करके हम अपने जीवन को सुधार रहे हैं। बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा अर्चना था, इसलिए हम लोग यहाँ सोने की आश्रम है तो तब हो जाता है करके, इसीलिए हम लोग यहाँ आए, शादी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, खर्च को देख करके, खर्च कर को देख करके और क्या बोलते हैं कि जैसे स्थिति था उस स्थिति को देखते हुए हम लोग सुने थे इस जगह को, इसीलिए हम लोग सोचे कि हो जाता है तो अच्छा है, और आए तो सब लोग अच्छा ही हुआ और जैसे भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा शादी हुआ, जैसा था अच्छा था, मस्त था। ये रहने वाली तो वहाँ की है, क्या बोलते हैं, कोंडा गांव की, लेकिन हम लोग जब ड्राइवरी कर रहा था तो मैं उधरी से मिली थी, मेरे को प्रेम कथा से हम लोग का शादी हो गया। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे तो हम लोग का महाराज जी की कृपा से हम लोग का शादी करा दिए। अच्छा हुआ शादी, शादी तो बहुत अच्छा हुआ। दहेज में तो पेटी दिए है, साइकिल दिए है, गद्दा दिए है, चटाई दिए हैं, और दुल्हन के लिए सामान वामान, दुल्हा के लिए भी सामान वामान सब दे दिए हैं, मंगलसूत्र सब, मतलब कि दुल्हन का जितना सामान है वो सब दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद उनका कर्तव्य पूर्ण हो गया, वे जीवन पर्यंत इन जोड़ों के माता व पिता के रूप में हर जरूरत के वक्त ढाल बनकर साथ देते हैं और जीवन के संघर्ष में मजबूती से खड़े रहने हर संभव सहायता भी उपलब्ध कराते रहते हैं। सजे धजे वनवासी जोड़े व उनके परिजनों के साथ देश विदेश से आए पालक माता पिता बाराती की भूमिका में अपने दायित्वों को पूरा कर संस्कारों को पूर्ण किए। इस मौके पर पाली तानाखार विधायक मोहित क्रिकेट्टा, भाजपा के संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। कटघोरा से जयप्रकाश साहू के साथ शारदा पाल एवं शशिकांत डिक्सेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।